हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सौरभ श्रीवास्तव ब्लॉग। तो दोस्तों, आज है 21 अक्टूबर 2018, यानी कि अक्टूबर का लास्ट डे, और ये ब्लॉग आपको कल मिलेगा यानी कि 1 नवंबर को। तो भाई आज लास्ट वीडियो है अक्टूबर, और भाई दीपावली की छुट्टी होने वाली है, बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं। भाई छुट्टी होगी, दीपावली बढ़िया से मनाओगे कि नहीं? गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आज हम फिर ब्लॉग करने के लिए निकल चुके हैं अपने गांव, और यहां पर गाय जो है बंधी हुई है हौदी में, और हमारी दादी जो है साफ सफाई कर रही हैं, कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं, अच्छी बात। सो गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिवाली आने वाली है, और उसी की प्रिपरेशन जो है हमारे गांव में स्टार्ट हो गई है, और कुछ लोग जो है अपना घर पेंट करवा रहे हैं, साफ सफाई कुछ लोग कर रहे हैं, तो कुछ लोग नई नई चीज़ें खरीद रहे हैं, टीवी मोबाइल जो भी चीज़ें हो, जिसकी जैसी ज़रूरत हो उसका वैसा रिचार्ज, ये सब चीज़ें तैयारी चल चुकी है दीपावली की, और छुट्टियां भी होने वाली है दीपावली। और जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, दीपावली शुरू होने के पहले एक मान्यता है या कुछ भी है कि लोग जुआ खेलना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब छूट मिल जाती है जुआ खेलने की, और क्या, तो जुआ कुछ दिन तक चलता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ा आएगा दिवाली में। मैं दिवाली का भी ब्लॉग बनाऊंगा जल्दी, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि दीपावली के पहले छोटी दीपावली होती है, एंड उसके पहले धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस में, अगर आप नहीं जानते होंगे, शायद जानते भी होंगे, कि धनतेरस में आप लोग कुछ ना कुछ खरीदेंगे तो शुभ होता है, चाहे आप छोटी सी चीज़ ही खरीदिए, चम्मच ही खरीदिए, तो भाई ज़रूर खरीदिएगा इस बार। और इस बार हम सोच रहे हैं धनतेरस दिन एक बढ़िया LCD स्मार्ट TV खरीदा जाए। तो मैंने मम्मी से बताया कि स्मार्ट TV मैंने एक देखा है MI का, बहुत ही अच्छा है, और उसकी छूट भी चल रही है MI.com पे, तो क्यों ना हम लोग खरीद, अगर मैं खरीदूंगा MI 4C Pro करके कुछ TV है, बहुत ही अच्छा है, मैंने उसका पूरा स्पेसिफिकेशन सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और शायद 32 इंच का है। अगर मैं खरीदूंगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा मतलब किस तरह से है, और उसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो आएगी, तो बने रहिए। अगर अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लो रेड कलर का बटन दबाकर, और बने रहिए हमारे साथ। और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी तेज़ ग्रो कर रहा है मेरा चैनल, तो भाई थैंक यू यार, बहुत ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं अपने छोटे भाई को, तो मज़ा आ रहा है भाई, जब आप लोग जब कमेंट करते हैं तो और ही मज़ा आ जाता है आप लोगों को रिप्लाई करने में, तो इसी तरह कमेंट करते रहिए। और कुछ गलती अगर मेरे साथ हो जाए, करें मैं कुछ गलती करा करूँ ब्लॉग में, तो आप लोग यार एडवाइस करा करिए, अपना छोटा भाई समझ करिए, अच्छा लगता है भाई। और गाइस, मौसम में भी थोड़ी ठंडक आ रही है, मतलब ठंडी का मौसम जो है धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि दिन में थोड़ी बहुत गर्मी लगती है तो रात में भाई ठंडी लगने लगती है। भाई मौसम बहुत ही अच्छा चेंज हो रहा है, और दीपावली तक मेरे ख्याल से अच्छी ठंडी आ जाएगी। और दीपावली बहुत ही, मतलब एक हिंदुओं का बहुत ही अच्छा फेस्टिवल होता है, और भाई सेलिब्रेट करने में बड़ा मजा आता है दीपावली तो बहुत ही। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे दीपावली क्यों मनाई जाती है, अगर नहीं जानते हैं तो मैं एक दिन आपको ब्लॉग में बता दूंगा मतलब दीपावली जो है क्यों मनाई जाती है। तो ये देखिए छोटा सा नहर, और फिलहाल अभी हम यहाँ पे हैं, लोकेशन देखिए, बहुत ही सुकून भरा है यहाँ पर। तो गाइस, थैंक यू, आप लोगों ने सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा को इतना ज्यादा प्यार दिया है, तो इसके लिए भाई थैंक यू। मेरे ख्याल से 1K व्यूज क्रॉस हो चुका है, जो कि ये मेरी बड़ी बात है, मेरी पहली कोई वीडियो है जो कि 1000 लोगों ने देखा है, तो भाई थैंक यू। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है दुर्गा सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा वाली, तो मैं यहाँ आई बटन में लिंक दे दूंगा, ऊपर यहाँ कहीं, यहाँ आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मेहनत करके भाई बनाया। और भाई यही सब आज का यही सब सीन है, और मैं सोच रहा हूँ कुछ इंटरेस्टिंग बोला करूँ, मैं सोच रहा हूँ जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करा करूँ तो ऑल राइट एवरी वन ऐसे मतलब बोला करूँ, तो जल्दी कुछ नया अपडेट लाता हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि कुछ यूनिक तो करना पड़ेगा ना, सबकी तरह करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो और मैं अपने सुल्तानपुर का पर्यावरण पार्क भी एक्सप्लोर करना है, रेलवे स्टेशन भी एक्सप्लोर करना है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, तो भाई करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, विलेज की लाइफ भी दिखाएंगे, हर चीज़ें दिखाएंगे, अपनी लाइफ स्टाइल भी दिखाएंगे, और भी इंटरेस्टिंग जो कुछ भी होता रहेगा उसको भी दिखाएंगे। तो भाई इसके लिए क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है रेड कलर का बटन दबाकर, और घंटे का भी ऑप्शन दबा दीजिए, टंटनाक बजा दीजिए, और मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक टिल देम बाय बाय। और अभी मॉर्निंग का समय है, धूप इतनी ज़्यादा लग नहीं रही है, थोड़ी बहुत हल्की धूप है, आप देख सकते हैं बहुत धूप निकली हुई है, और
डायरेक्ट मुंह पे पड़ रही है। और दोस्तों हमारे गांव का जो जियो टावर है वो चल चुका है, उसका भी जल्दी मैं वीडियो बनाता हूँ, फटाक से बाद आपको दिखाऊंगा। सो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौरभ श्रीवास्तव व्लॉग। और हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक सारी यूनिक आईडी बना ली है, आपको जल्दी मैं शेयर करूंगा और आप लोग वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो टिल देन बाय बाय। तो गाइस आज परवपुर रामलीला की लास्ट मीटिंग है, यानी कि लास्ट दिन है परवपुर रामलीला का, और बना हुआ है आज छोला। और यहाँ पर देखिए हलवा का व्यवस्था भी की गई है। गाइस जो आज का ब्लॉग देख रहे होंगे दशहरा का, उसमें जो मैंने डांस किया था उसका रिकॉर्डिंग इस भाई ने किया था, इनके लिए बहुत ही बिग थम्स अप।